गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इंग्लिश का लेसन 4 सी हैड अ ड्रीम इसके बारे में पढ़ाई किए थे, और आज हम देखेंगे इस लेसन्स का ग्रामर को देखेंगे और क्वेश्चंस आंसर, है ना। यहाँ फर्स्ट में देखिए दिया हुआ है आंसर दी क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चंस का आंसर मैं लिख के सेंड करूँगा, है ना। तो आगे देखते हैं, बी नंबर देखिए, मैक सेंटेंसेस यूजिंग दिज वर्डस, है ना। मैक सेंटेंसेस यूजिंग दिज वर्डस, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसका आपको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है, है ना जी, वाक्य बनाना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है ड्रीम, क्या लिखा हुआ है, ड्रीम। तो ड्रीम से हम क्या बना सकते हैं, ड्रीम में सपना होता है ना जी। तो इससे हम बना सकते हैं कल्पना चावला वुड ड्रीम अबाउट रीचिंग द स्टार्स। कल्पना चावला का सपना क्या था कि वह स्टार्स तक पहुँचे, है ना जी। तो क्या लिख सकते हैं, कल्पना चावला वुड ड्रीम अबाउट रीच द स्टार, है ना। कल्पना चावला वुड ड्रीम अबाउट रीचिंग द स्टार। तो इस तरह से ये वर्ड बनाना है आप लोगों को, वर्ड का आपको सेंटेंस बनाना है, रीचिंग द स्टार। चलिए आगे, और मैं बता दे रहा हूँ, क्लेवर से क्या बनेगा, सी वाज अ क्लेवर लिटल गर्ल। जो कल्पना चावला थी वह एक चतुर क्या थी जी, लड़की थी, है ना। थर्ड देखते हैं, स्पेस राकेश शर्मा वाज फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। तो स्पेस का यूज करते हुए हमने वर्ड बना लिया सेंटेंस। आगे देखते हैं, सैडली कल्पना चावला सा स्पेस शटल द कोलंबिया क्रैश्ड। इस तरह हम लिख सकते हैं, सैडली हर स्पेस शटल द कोलंबिया क्रैश्ड, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है टुडे का यूज करते हुए बनाना है, टुडे वी विल रीड द लेसन गोइंग टू द मून, इस तरह से ही बना सकते हैं, टुडे वी विल रीड द लेसन गोइंग टू द मून। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो इसमें फिल करना है, टुडे वी विल रीड द लेसन क्या आएगा इसमें, गोइंग टू द मून, है ना जी। आज हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे, हम लोग चैप्टर में पढ़े थे, आज हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे, गोइंग टू द मून का, इस तरह से हम रीड किए थे, टुडे वी विल रीड द लेसन गोइंग का स्पेलिंग क्या होगा, GOING गोइंग टू द मून, गोइंग टू द मून, इस तरह से आएगा। सेकंड देखिए, ब्लैंक वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून, है ना जी। देखिए, मून पर जाने वाले पहले कौन थे जी, कौन सबसे पहले मून पर गए, राकेश शर्मा गए थे, या और क्या देखे, क्या क्या देखे थे हम लोगों ने, सबसे पहले जो मून पर जाने वाले व्यक्ति थे, है ना जी, चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति थे, वे कौन थे जी,
वाज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन मून, टू लैंड ऑन मून, तो कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग। तो यहाँ पर आएगा नील, एन ई आई एल, नील आर्मस्ट्रांग, ए आर एम एस टी आर ओ एन जी, नील आर्मस्ट्रांग। थर्ड देखिए, ब्लैंक वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, है ना जी, स्पेस पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे जी? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा, आर ए के ई एस एच, राकेश शर्मा का स्पेलिंग क्या होगा? एस एच ए आर एम ए, शर्मा, राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो कि स्पेस पर गए थे। फोर्थ देखिए, ब्लैंक बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस, कौन थे प्रथम भारतीय महिला जो कि स्पेस पर गए थे? कौन थे जी? कल्पना चावला। तो यहाँ पर आएगा के ए एल पी ए एन ए, कल्पना चावला का स्पेलिंग क्या होगा? सी एच ए डब्ल्यू एल ए, चावला, कल्पना चावला। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर टू लर्न, ग्रामर टू लर्न, यहाँ पर देखिए प्लूरल बनाना है जी, क्लास का क्या होगा? क्लासेस, क्लास का क्लासेस होगा, सी एल ए डबल एस ई एस, क्लासेस। नेक्स्ट देखिए पिक्चर, पिक्चर में क्या होगा? पिक्चर से होगा, इसमें बस एस जोड़ना है, पिक्चर का क्या होगा? पिक्चर से होगा। चाइल्ड का होगा आपका चिल्ड्रेन, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रेन। ओमेन, ओमेन का होगा ये मैन जो लिखा है उसमें एम ई एन बस जोड़ना है, है ना, ओमेन का होगा ओमेन का ओमेन, डब्ल्यू ओ एम ई एन, ओमेन, इस तरह से। नेक्स्ट दिया है टीचर, टीचर से बनेगा टीचर्स, इसमें एस जोड़िएगा, टी ई ए सी एच ई आर एस, टीचर्स। गर्ल से गर्ल्स होगा, है ना, जी आई आर एल एस, गर्ल्स, गर्ल्स। आगे देखो, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है जी, तो प्रत्येक वर्ण मैंने जानना जरूरी है तभी आप इसको अच्छे से बना सकते हो। लेसन मतलब होता है पार्ट, चैप्टर मतलब भी होता है, रीड मतलब पढ़ना, है ना जी, रीड मीन्स पढ़ना, और स्टडी मतलब भी पढ़ना होता है। चलिए देखते हैं, तो लेसन्स को हम किससे मैच करेंगे? लेसन को किससे मैच करेंगे जी? चैप्टर से, लेसन को चैप्टर से मैच किए। रीड मीन्स पढ़ना, और इधर किसका मतलब पढ़ना होता है? तो स्टडी मीन्स भी होता है पढ़ना। फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का क्या होगा? प्राइम। फर्स्ट का क्या होगा जी? फर्स्ट का होगा प्राइम। और लिटल, लिटल मतलब छोटा, तो किसका मतलब और छोटा होता है? स्मॉल मीन्स, है ना। हार्ड मतलब होता है कठोर, है ना जी, तो हार्ड का इससे होगा, सॉलिड से मैच होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मैच द फॉलोइंग हो गया। चेंज द फॉलोइंग इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है, ठीक है। तो चाइल्ड, चाइल्ड का क्या होगा? चाइल्ड हुड, चाइल्ड हुड होगा, चाइल्ड हुड। नेक्स्ट दिया है गुड, गुड से होगा आपका गुडनेस, गुडनेस, एन ई डबल एस, नेस। मैन, मैन का होगा आपका, मैन से क्या बनेगा जी? मैनहुड बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? मैन से मैनहुड, मैनहुड होगा। आगे देखिए हार्ड, हार्ड से होगा हार्डनेस, हार्डनेस, हार्ड एन ई डबल एस, नेस, ठीक है। वुमेन, वुमेन दिया हुआ है, वुमेन से होगा वुमेनहुड, वुमेनहुड। क्लेवर, क्लेवर का होगा क्लेवरनेस, क्लेवरनेस,
NES क्लेवरनेस। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। राइट दीज वर्ड इन देयर करेक्ट स्पेलिंग, राइट दीज वर्ड्स इन देयर करेक्ट स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग लिखना है जी, है ना। देखिए यहाँ पर टीचर लिखा है, तो टीचर का स्पेलिंग यहाँ टीचर है ना, तो टीचर होता है TECHER, सही स्पेलिंग ऐसा होगा। लासन नहीं होता, लेसन होता है LESON, लेसन। यहाँ बनेगा चिल्ड्रन CHILDREN, चिल्ड्रन। यहाँ यहाँ भी स्पेलिंग सही क्या होगा, यहाँ होगा BEGIN, करेक्ट स्पेलिंग इस तरह से होगा। इससे बनेगा लेटला नहीं होता, लिटल होता है LITTLE, लिटल। इससे बनेगा आपका ड्रीम DREAM, ड्रीम। तो इस तरह से आपका लेसन 4 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी इसको फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा। थैंक यू।